नमस्कार, मी विलास पाटील, संपादक मनविकास प्रकाशन. मनविकास लाईव्हच्या आजच्या 16 व्या भागात आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. लेखक आणि वाचक यांची परस्परांशी भेट घडवून आणणं या हेतूने सुरू केलेल्या या उपक्रमाला रसिक वाचकांकडून उदंड प्रतिसाद लाभत आहे. त्यातूनच नवे नवे लेखक आपल्या समोर आणण्याचा आमचा उत्साही वाढत आहे. त्याच उत्साहातून आज आम्ही आपल्या समोर दोन लेखक घेऊन आलो आहोत. त्यापैकी एक आहेत पद्मश्री अरविंद गुप्ता सर, ज्यांनी विज्ञान प्रसाराच्या कार्यासाठी आपलं आयुष्य दिलं आहे. एका विज्ञान प्रसारकाची शोधयात्रा अशी मध्यवर्ती कल्पना घेऊन आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. आणि गुप्ता सरांनी दिलेल्या प्रेरणेतूनच, ज्यांनी आयटीतून लेखनाच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवलं आणि आज आघाडीच्या लेखिका म्हणून वाचकांसमोर ज्याचं नाव आहे, त्या नीलांबरी जोशी या दुसऱ्या लेखिका आज आपल्या सोबत आहेत, त्या गुप्ता सरांना या कार्यक्रमात बोलत करणार आहेत. या दोघांचंही मी आज मनविकास लाईव्ह मध्ये स्वागत करतो. गुप्ता सर नमस्ते. नमस्कार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में. नीलांबरी मॅडम आपलंही स्वागत. नमस्कार. आजवरच्या प्रवासात मोजकच परंतु महत्वाचं लेखन करणाऱ्या नीलांबरी जोशी ह्या अमेरिका कुवेत इथल्या आयटी क्षेत्राचा अनुभव घेऊन भारतात परतलेल्या एक कॉर्पोरेट कल्चर मानसशास्त्र मनोविकार या विषयातल्या तज्ज्ञ आहेत. मनोविकास प्रकाशनाने त्यांचं प्रकाशित केलेलं कॉर्पोरेट कलर या औद्योगिक मानसशास्त्र या विषयावरचं त्यांचं पुस्तक आपल्या सर्वांच्या परिचयाचं आहे. मनकल्लोळ भाग 1-2, लाईमलाईट, झपुर्झा भाग 2-3 या 5 पुस्तकात त्यांनी अच्युत गोडबोले यांच्या बरोबर लेखन केलेलं आहे. त्याच्याशिवाय अनेक पुस्तकांचे अनुवाद त्यांनी केलेले आहेत. जिथे मुलांना पंख फुटतात हा पर्यायी शिक्षणावरच्या फ्री ऍट लास्ट या पुस्तकाचा त्यांनी अनुवाद केलेला आहे. गुप्ता सरांच्या हँड्स ऑन चला करूया या विज्ञान प्रयोगाविषयीच्या पुस्तकाचाही त्यांनी अनुवाद केले आहेत. विशेष म्हणजे अरविंद गुप्ता toys.com या गुप्ता सरांच्या वेबसाईटसाठी त्यांनी अनेक इंग्रजी पुस्तकं अनुवादित केलेली आहेत. त्या वेबसाईटवर आपण गेला तर ते आपल्याला मोफत बघायला मिळतात, वाचायला मिळतात. त्याशिवाय पालक आणि मुलांचा हरवलेला संवाद, सोशल मीडिया आणि मनोविकार, मनोविकार आणि इंग्रजी साहित्य, तसंच मनोविकार आणि इंग्रजी चित्रपट अशा विविध विषयावर त्यांनी अनेक व्याख्यानं महाराष्ट्रभर दिलेली आहेत. काही मुलाखती दिलेल्या आहेत त्यांनी. माध्यम आणि मनोविकार या विषयावरचं त्यांचं नवं पुस्तक मनोविकास प्रकाशनातर्फे लवकरच आपल्या भेटीला येईल. लेखन आणि मानसशास्त्रातल्या सामाजिक कार्यासाठी त्यांना विविध पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. सध्या त्या पुण्यातल्या शारदा ग्रुपमध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून काम करतात. नीलांबरी मॅडमला मी विनंती करतो की त्यांनी गुप्ता सरांचा परिचय करून देत या संवादाला सुरुवात करावी. नीलांबरी मॅडम, मनोविकास लाईव्ह 16 मध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. विलास पाटील सर थँक्यू, अरविंद गुप्ता जी तुमचं मनापासून स्वागत. ऍक्च्युली मनोविकास कार्यक्रमात संवाद साधण्याची संधी दिली याच्याबद्दल मी मनोविकास प्रकाशनाचे आभार मानते. अरविंद गुप्तांची ओळख करून द्यायची, हा म्हणजे मध्ये एकदा आम्ही भेटलो होतो आणि कोणीतरी मी आणि गुप्ताजी बोलत असताना त्या संस्थेच्या आवारात दोन माणसं आली आणि एक माणूस आणि त्याचा मुलगा असे दोघ जण होते. साधारण टीनेजर मुलगा होता आणि त्या माणसाने त्याची ओळख गुप्ताजींशी करून दिली आणि तो सांगत होता त्यांच्याबद्दल. तर गुप्ताजी अचानक त्याला असं म्हणले की मैं तो बस खाली मामूली एक खिलौने बनाने वाला आदमी हूँ. आणि त्यांच्या त्या वाक्याने मी इतकी थक्क झाले, म्हणजे खूप छोट काहीतरी करून सुद्धा खूप जास्त सांगणारी लोक आणि हे सांगत होते. तर तो मामूली खिलौने बनाने वाला आदमी त्यांनी काय काय आयुष्यात केलंय हे मी खरोखर थोडक्यात सांगायचा प्रयत्न करते, कारण त्यांची कारकीर्द खूप मोठी आहे. IIT कानपूर मध्ये मधून गुप्ताजी बीटेक झाले. 2003 ते 2014 ते आयुकामध्ये मुक्तांगण विज्ञान शोधिका केंद्र चालवत होते. मी या सगळ्याची थोडक्यात माहिती सांगते कारण मुलाखतीच्या ओघात याबद्दलचे डिटेल्स गुप्ताजी स्वतःच आपल्याला खूप सांगू शकतील.
मेंटली आणि फिजिकली चॅलेंज मुलांसाठी विशिष्ट ज्या वस्तू बनवायला लागतात त्यांना शिकवण्यासाठी, त्या स्पास्टिक सोसायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया याच्या यांच्यासाठी गुप्ताजींनी काम केलेलं आहे. NBT नॅशनल बुक ट्रस्टचे ते कन्सल्टंट म्हणून काम करतात, युनेस्कोचे कन्सल्टंट म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. मराठी विज्ञान परिषद, बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी यांच्या बरोबरच त्यांचं काम चिकार आहे. आणि लॉरी बेकर, अनिल सदगोपाल अशा अनेक भाग्यवंतांच्या सहवासात ते त्यांना तो लाभलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय सेमिनार्स मध्ये गुप्ताजींना जी बोलावणी आली त्याची संख्या 19 आहे. आणि कॅनडा, फ्रान्स, पोलंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, साऊथ आफ्रिका, पाकिस्तान, USA, इंडोनेशिया, बँकॉक अशा निरनिराळ्या ठिकाणी त्यांनी त्यांचे पेपर्स सबमिट केलेत किंवा त्यांनी त्याच्यात सहभाग घेतलाय. विज्ञानातील ऍक्टिव्हिटीज किंवा विज्ञान खेळणी या विषयावर गुप्ताजींनी 27 पुस्तकं लिहिली आहेत. त्यांचं मॅजेस्टिक मॉडेल्स हे पहिलं जे पुस्तक होतं त्याचा 13 भाषांमध्ये अनुवाद झालाय आणि 5 लाख लोकांपर्यंत, 5 लाख प्रती त्या पुस्तकाच्या आतापर्यंत खपलेल्या आहेत. वुमेन ऑन व्हील्स, टॉईज फ्रॉम ट्रॅश, आहा ऍक्टिव्हिटीज ही हँड सॉन ही त्यांच्या काही पुस्तकांची त्यांच्या नंतरची नावं. 290 पुस्तकांचा त्यांनी हिंदीत अनुवाद केलाय. आणि मध्ये आमचं बोलणं झालं तेव्हा ते मला असं म्हणले की आता माझं नाव सुद्धा मला पुस्तकावर घालावं असं वाटत नाही. विदुषक या नावाने त्यांनी काही पुस्तकं अनुवाद केली शेवटच्या काळात, पण आता तर ते नावही घालत नाहीयेत त्याच्यावर. टेक टॉक वर त्यांची टर्निंग ट्रॅश इन टू टॉईज नावाची फिल्म आहे आणि आतापर्यंत 20 लाख लोकांनी ती पाहिलेली आहे. जगातल्या 10 बेस्ट एज्युकेशनल फिल्म किंवा एज्युकेशनल टेड टॉक्स मध्ये त्याचा समावेश आहे. आणि हा समावेश करणाऱ्या समितीतले जे लोक होते त्याच्यात केन रॉबिन्सन हे शिक्षण तज्ञ होते, जे नुकतेच आता 2 महिन्यापूर्वी मरण पावले. पण केन रॉबिन्सन यांचा टेड टॉक जगात पहिल्या क्रमांकाचा मानला जातो आणि तो जास्तीत जास्त लोकांनी पाहिलेला आहे. त्यांनी गुप्ताजींचा व्हिडिओ Top 10 मध्ये सिलेक्ट केला आहे, खूप महत्वाचं आहे. अरविंद गुप्ता टॉईज या वेबसाईट वर 1100 शॉर्ट फिल्म आहेत, टॉईज कशी बनवावी फ्रॉम ट्रॅश. 8500 या 1100 आहेत ते इंग्रजी मध्ये आहेत आणि वेगवेगळ्या भाषात 20 भाषांमध्ये मिळून 8500 शॉर्ट फिल्म तिथे अवेलेबल आहेत. 5,80,00,000 लोकांनी त्या पाहिलेल्या आहेत आणि त्याच्यावरच निरनिराळ्या भाषांमधून इंग्रजीतून रिजनल भारतीय भाषांमध्ये अनुवाद झालेली 5,500 पुस्तकं आहेत. रोज त्यातली 12,000 पुस्तकं डाउनलोड होतात आणि ही सगळी पुस्तकं सगळ्यांसाठी फ्री अवेलेबल आहेत. गुप्ताजींचे दूरदर्शनवर, नुसत्या दूरदर्शनवर 128 प्रोग्राम झालेत आणि नॅशनल जिओग्राफिक मधल्या सायन्स सफारी मध्ये त्यांचा प्रोग्राम झालाय. एनडीटीव्हीवर त्यांनी अनेक त्यांचे प्रोग्राम झालेले आहेत. गुप्ताजींना पद्मश्री ते आहेत हे आपण आता स्लाइड मध्ये पाहिलं, पण पद्मश्री सोडून त्यांना सुमारे भारतातलीच 21 अवॉर्ड्स मिळालेली आहेत. महाराष्ट्र फाउंडेशनचा नरेंद्र दाभोळकर अवॉर्ड, CNRR एज्युकेशन फाउंडेशनचं प्राइस फॉर आउटस्टँडिंग सायन्स टीचर्स हे अवॉर्ड, थर्ड वर्ल्ड अकॅडमी ऑफ सायन्सेस रिजनल अवॉर्ड फॉर पब्लिक अंडरस्टँडिंग ऑफ सायन्स अँड सायन्स पॉप्युलरायझेशन, त्यांची सगळी अवॉर्ड सायन्स पॉप्युलरायझेशन साठी आहे. इंदिरा गांधी अवॉर्ड त्याच्यासाठी आहे. ग्रंथालीचं त्यांना अवॉर्ड मिळालेला आहे. विशेष म्हणजे नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाइंड यांनी व्हिज्युअली इम्पेअर्ड लोकांसाठी गुप्ताजींनी जी टीचिंग एड्स बनवण्याची डिझाईन दिली त्याच्यासाठी त्यांना सन्मानित केलेला आहे. IIT चे स्टुडंट आहेत आणि त्यांना अर्थातच डिस्टिंग्विश्ड अल्युमनस अवॉर्ड IIT चा आहे. आणि ते अवॉर्ड देतानाच त्यांचं जे पत्र त्या IIT नी पाठवलेलं त्यांना आहे ते सुद्धा वाचण्यासारखं आहे. ही गुप्ताजींची थोडक्यात ओळख होती. त्यांची प्रश्नोत्तर सुरू करायच्या आधी मी तुम्हाला एक छोटासा किस्सा सांगते आणि पहिला प्रश्न विचारते. करोना काळ सुरू व्हायच्या आधी डिसेंबरच्या सुमारास मी गुप्ताजींकडे गेले होते तेव्हा त्यांचा नातू उठून आला आणि तो निवांत होता. मी गप्पा मारत होतो, मी सुनीताताई सगळे जण, आणि त्याचे आई वडील बाहेरून आले आणि त्यांनी काही पुस्तकं आणली होती. तर तो व्यवस्थित खात पीत होता आणि त्याच्या आईनी केदारच्या मला एक पुस्तक दाखवलं दुलारीने आणि तो एकदम रडायला लागला.
तर मलाही कळेना की त्याला काय झालं. तर इतका वेळ त्याला मला खायला दिलं, मला पाणी दिलं, मला घरातल्या इतर वस्तू दाखवल्या, त्याचा कुठेही प्रॉब्लेम नव्हता. पण त्याचं लाडकं पुस्तक कोणीतरी शेअर करतंय आणि आता ते मी घेऊन जाणार का काय, अशी त्याला भीती वाटली. इतका लहान मुलगा पण त्याला सर्वात जास्त अटॅचमेंट पुस्तकांची होती. जडणघडण किंवा संस्कार वाचनाचे आपण ज्याला म्हणतो ते अशा ठिकाणी दिसतात. गुप्ताजींना माझा पहिला प्रश्न हाच आहे की विज्ञान प्रसाराच्या कामाची आपल्याला गरज का वाटली आणि त्याची भूमिका जरा आप डिटेल में बताएंगे तो अच्छा रहेगा. नहीं, इसका इसकी पूरी जड़े जो है, मैं 70 से 75 तक आईटी कानपुर में था और वो काल एक बहुत ही राजनीतिक उथल पुथल का काल था, बिल्कुल पॉलिटिकल टर्बुलेंस, एक तरह के राजनीतिक मंथन. वियतनाम का युद्ध चल रहा था, अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे, फेमिनिस्ट मूवमेंट आ रहा था. 70 के दशक में एक किताब आई थी जिसने पर्यावरण के आंदोलन को, जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग्स, रैचल कार्सन की, जिसने पर्यावरण को फ्रंट पेज पे लाया. तो जब इस तरह के जब समाज का एक मंथन, राजनीतिक मंथन होता है, तो उससे बहुत सारी सामाजिक ऊर्जा बाहर निकलती है. बहुत से लोग प्रश्न पूछने के लिए बाध्य होते हैं. तो उस समय बहुत से लोगों ने ये सोचने लगे कि हमारा इस समाज को बदलने में क्या सार्थक रोल हो सकता है. बहुत से वैज्ञानिकों ने ये निर्णय किया कि अब हम बम नहीं बनाएंगे, हम राइफल नहीं बनाएंगे, हम मिलिट्री हार्डवेयर, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में सहभागी नहीं होंगे. अगर हम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो हमें मारने का कोई हक नहीं है. तो इस तरह के लोग प्रश्न पूछने लगे. उस समय भारत में अपने यहाँ नक्सली आंदोलन, 70 का दशक, तो बहुत ही वो एक उथल पुथल का मौसम था. और हमारे ये छात्रों में भी आईआईटी कानपुर या कोई भी संस्था जो देश की जो बड़ी राजनीतिक हलचल है उससे मुक्त नहीं रह सकता, तो वहां पर भी छात्र सोचने लगे कि हम क्या कर सकते हैं. तो 70 में हम लोगों ने एक जो मेस सर्वेंट्स थे, आईआईटी कानपुर के अंदर 2 स्कूल थे, एक तो केंद्रीय विद्यालय था और एक कैंपस स्कूल था. कैंपस स्कूल बहुत ही संपन्न स्कूल था जहां पर फैकल्टी के बच्चे जाते थे और केंद्रीय विद्यालय में आम लोग के बच्चे जाते थे. पर उसके बाद में भी जो मेस सर्वेंट्स हैं, जो चौकीदार हैं, जो फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉयज हैं, उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था. तो कुछ फैकल्टी ने और छात्रों ने मिलकर के एक स्कूल शुरू करा जिसका नाम था अपॉर्चुनिटी स्कूल. एक टाइप 2 का क्वार्टर था, उसमें 60-70 बच्चे आकर के पढ़ते थे, 2-3 कमरे थे और हम ऐसे 5-6 छात्र थे. तो बहुत बड़ी बड़ी उस समय बातें लोग करते थे पर हमें उसमें ज्यादा रुचि नहीं थी. हमें कुछ ठोस काम में, कुछ सकारात्मक ठोस काम में रुचि थी. तो 5 बरस मैंने अपॉर्चुनिटी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया और ये मेरा पहला पहला कदम था शिक्षा के अंदर. मुझे खुद बहुत कुछ सीखने को मिला उससे. फिर आईटी कानपुर 400 एकड़ में बनाए, वो गांव को विस्थापित करके बनाए. उसके बिल्कुल एक बाजू में गांव था जिसका नाम था नानकारी. अब मुझे याद है मैंने करीब 12 ऐसे लड़कों को जो मेरे कमरे में शाम को आते थे, उनकी गणित में मदद करने, साइंस में, अंग्रेजी में मदद करने, और जिन्होंने हाई स्कूल किया. तो ये पहले कदम थे आईआईटी के अंदर जिसने. और एक और सबसे अच्छी बात थी कि 72 में जब मैं कोई 18 साल का होऊंगा तो मैंने अनिल सदगोपाल को आईआईटी कानपुर में सुना. वो पीएचडी करके आए थे कैलटेक से, TIFR में थे, उबेद सिद्दीकी साहब के साथ काम करते थे और उन्होंने बंबई के म्युनिसिपल स्कूलों में प्रोफेसर यशपाल के साथ में सस्ते सामान से बच्चे किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं वो एक प्रयोग करा था. तो उन्होंने अपने अनुभव बताया, उसका मेरे पर बहुत प्रभाव पड़ा. और जैसे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये तोप मारा, हमने ये तीर चलाया, उनका कहना यह था कि देखो हम लोग 5 साल से गांव में काम कर रहे हैं, वो गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं पर बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है. शहर में रहकर के हमारी एक बड़ी रोमांटिक इमेज होती है गांव की, गांव का पनघट है और महिलाएं अपने सिर पे गगरी रख के जा रही हैं, लहलाते खेत हैं. पर जब आप गांव में जाते हैं तो आपको क्लास, कास्ट और जेंडर, इनको भुगतना पड़ता है और ये बहुत ही मुश्किल चीज है. तो उन्होंने कहा कि 5 साल काम करने के बाद में भी हम कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए. ये मुझे बहुत बात कचोटती रही. ये 72 में मैंने उन्हें पहली बार सुना था और वो मेरे एक जीवन के एक मेंटर में से उनके उनकी बात का मेरे पर बहुत प्रभाव पड़ा. तो
तो पहले जो ये लगा कि भाई शायद मैं साइंस पॉपुलराइजेशन में, विज्ञान के प्रचार प्रसार में कुछ अपना योगदान दे सकता हूँ। बाद में मैं टेलको में आया, पूना में टाटा मोटर्स में 2-3 बरस काम करा, और ट्रेनिंग के बाद में 1 साल की छुट्टी लेकर के मैं किशोर भारती, अनिल सतगोपाल के साथ काम करा। और वो 1 साल का एक ऐसा वो माहौल था 78 के अंदर, जिससे मुझे ये समझ में आया कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूँ। अक्सर हमें पता ही नहीं होता हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, जिस परिपाटी पे फिट हो जाते हैं उसी पे चलते रहते हैं। पर उस साल ने मुझे ये रिफ्लेक्ट करने के लिए, ये सोचने के लिए बात किया कि मेरी असल में रुचि क्या है और मैं कहाँ योगदान कर सकता हूँ। उसी 78 के एक साल में, एक मेरे कॉलेज के दिनों में एक आइडल थे जिनका नाम था लॉरी बेकर। मैं पढ़ता था उनके बारे में, मैं सोचता था शायद यही देश के एकमात्र आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने गरीबों की जिंदगी को छुआ है। और मेरा कोई आर्किटेक्ट से लेना देना था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, पर मैंने 6 महीने जाकर के लॉरी बेकर के साथ त्रिवेंद्र में काम करा 78 में। ये दोनों, अनिल सतगोपाल और लॉरी बेकर, ये मेरे जीवन में एक बहुत महान मेंटर। याच्यावरून असं लक्षात येतं की त्यांना त्यांना एक पर्पज सापडला आयुष्याचं आणि त्यांनी ठरवलं। पण जनरली असं होतं की बोले तैसा चाले वगैरे अशा ज्या काही म्हणी आहेत त्या इथे लक्षात येतात, कारण टेलको मधलं करिअर खूप सुरक्षित असताना इतकी वर्ष तरी सुद्धा दुसरीकडे डिस्ट्रॅक्ट न होता खूप कष्ट करून सुद्धा या या भूमिकेवरची निष्ठा आपली कशी टिकून राहील? मेरे ख्याल से उसका शायद एक कारण ये है कि मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरे माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए थे, कभी स्कूल नहीं गए। मेरे पिता को एक मौलवी आकर के, वो उर्दू लिख पढ़ सकते थे, थोड़ी अंग्रेजी भी सीख गए थे, पर दोनों माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए। और तब क्योंकि वो स्कूल नहीं गए थे तो उनकी मेरे से या मेरे किसी भाई बहन से कोई अपेक्षा नहीं थी। जितने पढ़े माँ बाप होते हैं उनकी उतनी ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं अपने बच्चों से। पर एक कारण था कि मैं ये सामाजिक दबाव से बच सका कि मेरे माता पिता की कोई अपेक्षा नहीं थी, इसलिए मैं अपनी अपनी जिंदगी के रास्ते को खुद चार्ट आउट करने के लिए स्वतंत्र था। जब कभी मैं कभी कभी घर जाता था तो उनको कोई, मैं IIT में पढ़ता हूँ कि ITI में पढ़ता हूँ, मेरे माता पिता को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जब मैंने अपनी 1980 में टाटा टेलको की नौकरी छोड़ी तो मेरे मामा, उस समय वो बहुत ऊंचे ऊंचे अहदे पर थे मामा, तो उन्होंने बहुत, दे वर वेरी क्रिटिकल कि इतनी अच्छी सिक्योर नौकरी क्यों छोड़ रहा है। मेरी माँ ने सिर्फ एक वाक्य कहा था उस समय, उन्होंने कहा था कि अच्छा ये तुमने नौकरी छोड़ी, अब कुछ नेक काम करेगा। और ये एक वाक्य है जिसने मुझे पिछले 35 साल से बहुत आशा दी है, बहुत आश्वस्त रहा हूँ कि उनका बहुत सहारा है, बहुत आशीर्वाद है। वपू काळेंच्या पार्टनर कादंबरीत एक वाक्य आहे कि पार्टनर तो म्हणतो की मला जे काही मिळालं नाही ते सगळं माझ्या मुलाला मिळावं असं मला वाटतं, आणि त्याच्यावर तो पार्टनर त्याला असं म्हणतो म्हणजे गणितात चांगले मार्क्स वगैरे वगैरे असतात। पण हा जरी जोक असला तरी प्रत्येक आई वडील आपल्या मुलांकडून खूप जास्त अपेक्षा ठेवतात, हा खूप महत्वाचा शिक्षणातला मुद्दा आता गुप्ताजींनी सांगितला। या संपूर्ण कारकिर्दीत 2003 ते 2014 म्हणजे सुमारे 11 वर्ष आयुकामधलं सेंटर तुम्ही चालवलं, त्या सेंटर बद्दल थोडस सांगाल का? हम लोग 14 बरस दिल्ली में थे, अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए मैं दिल्ली गए थे कि वो एक अच्छे स्कूल में वहां पढ़ती थी, और मेरी पत्नी PhD कर रही थी JNU से, तो इसलिए हम दिल्ली 14 बरस बिताए। और 2002 में हमारी बेटी ने 12वीं करी और वो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में पढ़ने मेडिसिन चली गई। उसके बाद में हमने सोचा कि भाई अब हम वापस पूना जाएंगे, हमारी मदर इन लॉ अकेली रहती हैं एक बड़े घर के अंदर, और तो उनके पास जाके रहे, तो हमने बस ये करके 2003 में, एक साल लगा दिल्ली का पूरा कारोबार समेटते हुए, वो 2003 में हम पूना वापस आए। और जैसे ही पूना वापस आए वैसे ही मुझे अयुका से एक फोन आया कि भाई हम लोग एक विज्ञान, पूला देश पांडे ने 40 लाख रुपए दिए हैं और उससे हम लोग एक विज्ञान केंद्र बच्चों के लिए बना रहे हैं, और क्या आप उसमें काम करें? मैंने कहा कि बहुत, मैं घबराया, मैंने
कुछ साल अपने जीवन में नौकरी की थी टेलको में, उसके बाद कभी नौकरी नहीं करी। मुझे सड़क ही पसंद थी क्योंकि सबसे ज्यादा जो अच्छे लोग मिलते हैं, काबिल लोग मिलते हैं आपको सड़क के ऊपर मिलते हैं, जिनके पास कोई विजिटिंग कार्ड नहीं होता, उनके साथ में बहुत मैं अच्छी तरह से घुल मिल जाता। तो मैंने कहा कि मैं सरकारी, मैंने कभी नौकरी नहीं करी, और 50 साल की उम्र में नार्लिकर साहब कह रहे हैं कि आप एक इसमें आई है। तो मैंने कहा देखिए आप मुझे माफ कीजिए, मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे खुश हूँ, अपनी आजीविका चला लेता। खैर उन्होंने मुझे सेंटर दिखाया और ये कहा कि देखिए अभी ये बना नहीं है, अभी इसकी इमारत बन रही है। एंड ही सेड वन वर्ड दैट यू कैन शेप इट। और उन्होंने दूसरा एक ये कहा कि आपके लिए घर रहने के लिए घर है आयुका खेल में। अब ये एक ऐसा एक ऐसी कैरेट थी, मैंने कहा चलो मेरी जीवन की जो एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स है कि मुझे कहीं दूर नहीं जाने का, किसी ऑफिस में काम करने के लिए घर से 3 मिनट का रास्ता है अपने साइंस सेंटर के लिए, तो मैंने। और जब आया तो मुझे लगता है कि जब 2003 में मैं आया ऊना के अंदर, तो उस समय साप्ताहिक सकाल जो दिवाली विशेषांक होता है, तो उसमें दिवाली विशेषांक में शोभा भागवत जी ने मेरे पर एक लेख लिखा और जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ। दो तीन साल तक लोग उस विशेषांक को लेकर के मेरे पास मिलने के लिए आते, उसका ऐसा जादुई प्रभाव हुआ लोगों को। तो जब मैं आयुका में आया तो कई लोग मेरे से मिलने के लिए आए, उसमें मेरे दो साथी जो भविष्य में साथी बने, एक डॉक्टर विद्या महेश्वर और एक अशोक उपनेर, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से हैं, विज्ञान प्रसारकों में से ये दोनों आए। और फिर हम लोग की एक छोटी सी टीम थी 3-4 लोग की, और 11 बरस उस सेंटर में काम करा, 400 स्क्वायर फीट का कमरा, जिससे इस समय 9000 वीडियो यूट्यूब के अंदर हैं, और जो नीलाम जी ने आंकड़ा दिया वो शायद पुराना था, अभी लगभग 9 करोड़ लोग, 90 मिलियन पीपल लोग हमारी वो वीडियो को देख चुके हैं, ये सिर्फ एक सरकारी संस्था में 400 स्क्वायर फीट के कमरे के अंदर। उसके बाद में 100 किताबें मराठी में अनुवाद, जो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था, पर इतने अच्छे लोग मिलने के लिए आते थे और उनको आप कुछ चुनौती दीजिए तो वो उस काम को करते थे। तो हर रोज हम कोई ये कोई कोई एक अजीब उनको सबसे बेहतरीन लोगों से मिला। अरविंद अरविंद गुप्ता सरांचं कनेक्शन बहुतेक गेलेलं दिसतंय, ते येतील, आपण जरा 2 मिनिटं थांबू आणि त्यांची वाट बघू। ऍक्च्युली गुप्ताजी जे सांगत होते की आयुकामध्ये मुक्तांगण विज्ञान शोधिका केंद्रात त्यांनी 400 स्क्वेअर फुटाच्या खोलीत जे काही करत होते त्या ठिकाणी अनेक वेळा जाण्याचा योग तिथे मला आला, आणि विदुला अशोक शिवाजी हे सगळे त्यांचे सहकारी, त्यांना हॅलो कायम देयर वाज अ डिस्कनेक्शन बट आई विल कंटिन्यू नाउ। तो हर लोग हर रोज कुछ ना कुछ अच्छे लोग आकर के मिलते थे, एंड हमारे सेंटर में 11 बरस में 25 फेलोज ऑफ द रॉयल सोसाइटी FRS आकर के गए, इतने अच्छे लोग आते थे। और हमारा काम ये था कि अच्छे लोग को अच्छी जो हमने कुछ सृजन किया है, जो कुछ हमने बनाया है, क्या बच्चे उसको खुद बना पाते हैं, है? वो एक टेस्टिंग की एक तरह की लेबोरेटरी। उसके बाद वीडियो में किताबों में उनको डालना, इस तरह का काम करते रहे। तो धीरे धीरे करके इन 11 साल में
दिस बिकेम अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ मटेरियल फॉर द. एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, एक अयुका के बिल्कुल बाजू में एनसीआर है जो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी, वहां पर एक पोस्ट डॉक स्कॉलर आई थी जो स्पेनिश जानती थी, डोमिनिक रिपब्लिक से थी, डॉक्टर ब्रिजियो कैना फ्लैकर. वो एक दिन हमारे सेंटर में आए और उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं जिस गरीब मुल्क से आती हूँ वहां के बच्चों के लिए तो ये बेहद जरूरी है. ये ब्रिजी को ये बात बहुत गहराई से अपने दिल में लगी. 350 वीडियो उन्होंने स्पेनिश में डब करे जो उनकी मातृभाषा थी. उसका नतीजा ये हुआ कि आज 26 देशों में जहां स्पेनिश बोली जाती है वहां पर करोड़ों बच्चों ने ये वीडियो देखे हैं. तो ये 11 साल का जो एवरी डे वी सेलिब्रेट, हम लोग जश्न मनाते थे कि अयुका ने हमको ये मौका दिया है, अच्छा मौका दिया है 3 अच्छे लोग को साथ आने का और अच्छे नेक काम करने का. और जो कुछ भी करते थे वो हमेशा सब पब्लिक डोमेन को इनरिच करना, वेबसाइट पे डालना, जिससे गरीब से गरीब और लोगों की भाषाओं में डालना. ये 20 भाषाओं में कैसे हुआ, जहां कहीं पे भी हमको साथी मिले जो निःशुल्क काम वॉलंटियर करने के लिए तैयार था तो उन्होंने डब कराया. तमिलनाडु में SCRT ने, उनको बहुत पसंद आई, 450 फिल्म उन्होंने तमिल में डब करके SCRT तमिलनाडु की वेबसाइट पर डाल दी. तो जहां पर भी हमको इस तरह के साथी मिले हम लोगों ने तो उनके साथ में करार करा और इस सारी सामग्री को पब्लिक डोमेन में डाला. गुप्ताजींशी कधी हे बोलला तरी असं लक्षात येतं की ते इतर माणसांचं इतकं कौतुक करत असतात की त्यांना कधी कुठला वाईट माणूस भेटला असेल असं वाटतच नाही आपल्याला. जे कोणी येतात त्यांच्याबद्दल ते खूप छान सांगत असतात आपल्याला. या त्यांच्या प्रवासातल्या दोन खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत, एक म्हणजे टॉईज फ्रॉम ट्रॅश आणि पुस्तकं अनुवाद. तर मुलांसाठी म्हणजे लहान मुलांसाठीच काम करायला पाहिजे आणि टॉईज फ्रॉम ट्रॅश आपको सुनाई दे रहा है ना गुप्ता? हाँ सुनाई सुनाई दे प्लीज कट. आणि टॉईज फ्रॉम ट्रॅश ही कन्सेप्ट आणि त्याची डेव्हलपमेंट कशी होत गेली, म्हणजे आधी कारण गेले काही वर्ष तुम्ही हे करताय पण निरनिराळ्या कल्पना कशा सुचल्या, हे सगळं कसं करावं असं वाटलं, पर्टिक्युलरली टॉईज फ्रॉम ट्रॅश ही कल्पना, हा प्रश्न विचारायचा. जब होशंगाबाद विज्ञान में काम कर रहे थे तो वो ये बिल्कुल गाँव खेड़ों के बच्चों के लिए था. देखिये हमारे देश में 7 लाख गाँव है, बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर कोई प्रयोगशाला होती है और जो प्रयोगशाला होती है वहां पर जो कुछ भी कांच के ब्यूरेट्स पेपर्स फैंसी ग्लासवेयर प्लास्टिकवेयर ये सब अलमारियों में कैद रहते हैं क्योंकि शिक्षक को डर रहता है अगर कोई टूट जाए तो फिर मैं इंस्पेक्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा, तो वो उनको ताले में ही बंद रखते हैं. तो हम लोग का होशंगाबाद विज्ञान में 70 में इस तरह का सोच था कि अगर हम बच्चों तक विज्ञान को पहुंचाना चाहते हैं तो हम सस्ती से सस्ती सामग्री का इस्तेमाल करें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो बच्चों के आम दिन की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिससे बच्चे के लिए वो एलियन ना हो, उससे कोई अलगाव ना हो. तो हम जब 78 में वहां पर गया था तो एक साइकिल की वैल ट्यूब और माचिस की तीली, उससे पहले महीने के अंदर एक मैचस्टिक मॉडल्स का बनाया, और ये 78 की बात है ना? और मैं उस समय रहूंगा 24-25 साल का रहूंगा और मुझे उससे बहुत खुशी मिली. मुझे लगा ये जरूर बच्चे मेरे इस्तेमाल करेंगे. और यही किताब जो है बाद में बहुत सारी भाषाओं के अंदर आई, पर उसने मुझे पहली किक दी कि ये अच्छा काम है, ये नेक काम है, ये बहुत से लोगों तक पहुंचेगा. उसके बाद में मैं ऐसी चीजों की तलाश करने लगे, जैसे अखबार, अखबार से 15 तरह की टोपियां बनाना, टेट्रा पैक है. अगर टेट्रापैक को आप कभी आपने खोल के देखा उसके अंदर 3 प्लास्टिक की तह होती है, एक एल्युमिनियम की होती है, एक कार्डशीट, मल्टी वॉल लैमिनेट, 5 तह फ्यूज्ड है. तो इसको इसको अलग अलग करना ये संभव नहीं है. तो वो सैकड़ों बरस तक टेट्रापैक, फ्रूटी का डब्बा, धारा का डब्बा, जंपिंग जैक का डब्बा, वो किसी लैंडफिल में पड़ा रहेगा. तो हम लोगों ने 25 साल पहले किताब लिखी, नेशनल बुक ट्रस्ट से छापी, लिटिल टॉयज, कि डोंट ड्रिंक अ फ्रूटी, पिक अप अ फ्रूटी पैक. आप एक फ्रूटी का डब्बा उठाइए और मैं आपको उससे 25 बेहतरीन खिलौने बनाना दिखाता हूँ. तो हमने इस तरह का काम करा कि जब तक बच्चे इसमें साथी नहीं बनते तब तक बच्चों के अंदर एक तरह की संजीदगी पैदा करना पर्यावरण के प्रति. प्लास्टिक की बोतलें अब एक बिल्कुल मेनेस बन गई है, सरकार के लिए तक मेनेस बन गई है. अब सरकार ने अलग अलग, आपने देखा होगा
कि रेलवे प्लेटफॉर्म से आप बोतल लेकर के जाइए 5 रुपए में 1 लीटर पानी, आपको पानी चाहिए, बोतल नहीं चाहिए ना, ये सरकार भी कर रही है। तो प्लास्टिक की पुरानी बोतलों से जो इफरात में अवेलेबल है, 100 बेहतरीन प्रयोग जो हमारे टॉयज फ्रॉम ट्रैश के अंदर है। तो हमने सोचा कि इनकी एक यूनिवर्सैलिटी है, दुनिया में जहां कहीं भी गरीब बच्चे होंगे और अगर वो कहीं पर भी नेट के ऊपर खोज रहे होंगे सस्ते बेहतरीन साइंस के एक्सपेरिमेंट्स, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है, वो हमारी वेबसाइट पे जरूर जाएंगे। और दूसरा हमने ये देखा कि हर वीडियो में आप आज मेरा चेहरा देख रहे हैं, पर 1100 वीडियो में शायद 2 वीडियो होंगे जिसमें आप मेरा चेहरा देखेंगे। आइडियाज आर मच मोर पावरफुल देन फेसेस, देन पर्सनालिटीज, पीपल डाई आइडियाज लिव। तो किसी भी वीडियो के अंदर मटेरियल है, हाथ है, प्रक्रिया है, और अंत में हर एक में एक नया बच्चा उस खिलौने से खेल रहा होगा, क्योंकि वो हमारे हीरो हीरोइन है, हम नहीं, हम सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है इस बीच के अंदर। तो बहुत हमारे सिद्धांत थे कि वीडियो का मतलब ये नहीं कि खुद का प्रचार प्रसार करना, आइडियाज का प्रचार प्रसार करना ये बहुत जरूरी है, और तभी शायद उसको एक, और हर एक वीडियो 2 मिनट का, क्योंकि आज इंटरनेट का बाहुल्य है, बोलबाला है, तो बिल्कुल क्रिस्प टाइट, कोई बेकार की बात नहीं, कोई चेहरा नहीं, बिल्कुल काम की बात वीडियो के ऊपर, उसकी वजह से शायद उनको बहुत प्रचार प्रसार मिला। सुरुवातीला खरं म्हणजे मी एक सूचना करायला हवी होती आणि ते मी विसरले की गुप्ताजी ज्या गोष्टींच, ज्या वेबसाईट किंवा जी पुस्तकं यांची नावं घेतील ते तुम्ही सगळं लिहून घ्या आणि ते जरूर व्हिजिट करा, ते वाचा, कारण पुढचा प्रश्न वाचनाच्या रिलेटेड आहे। ऍक्च्युली आधीच्या त्यांच्या उत्तरातून खूप चांगलं एक कोटेशन असं आहे की आयडियाज आर मच मोर पॉवरफुल दॅन पर्सनॅलिटीज। आपण सगळ्यांनी हे फेसबुकच्या पर्टिक्युलरली जिथे आपलं प्रोफाईल आणि आपली पर्सनॅलिटी आणि सेल्फीचा जमाना आहे तिथे ही खूप महत्वाचं आहे। मुलांनी आणि पालकांनी किंवा प्रत्येकाने वाचायला हवं, आणि आपल्याकडे रिजनल लँग्वेज मध्ये शिकल्यानंतर इंग्रजीचा फोबिया खूप असतो, त्याच्यामुळे जागतिक भाषांमधून किंवा इंग्रजीमधून रिजनल लँग्वेजेस मध्ये पुस्तकं आणणं हा प्रकल्प गुप्ताजींनी केला आणि त्याच्यासाठी त्यांनी असंख्य माणसं जोडली, त्याच्याबद्दल थोडस सांगाल का? एक तो ये था कि जब हम 35-40 साल पहले शुरू करा तो हम शिक्षा पे किताबें ढूंढ रहे थे कि शिक्षा पे जो इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट्स, दुनिया में जो शिक्षा के ऊपर नवाचार किया गया है उसकी किताबें, कुछ चुनिंदा किताबें थी, 2-4 किताबें अंग्रेजी में थी, पर हिंदी में प्रांतीय भाषाओं में बिल्कुल नपैद थी। अगर आप लोग को याद होगा कि 1970 के अंदर एक किताब थी स्कूल ऑफ बार्बियाना, लेटर टू अ टीचर, जो मराठी में ग्रंथाली लाया प्रिय बाई के नाम से, एक अद्भुत इंटरनेशनल क्लासिक जिसको 8 गरीब किसान के बच्चों ने उस किताब को लिखा था, और उन्होंने इतनी सारी स्टेटिस्टिक्स इकट्ठी की थी कि उनको एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला था। पूला देशपांडे ने इस किताब के पीछे अपना ब्लर्ब बताया कि यह वर्षी मैं निर्लाली पुस्तकें वाच ली, अरे हाथ चिमुक लिए पुस्तक ने, मैं जी झोप उड़ा ली, मेरी नींद हराम कर दी इस छोटी सी पुस्तक ने, इतनी सशक्त पुस्तक थी वो प्रिय भाई। तो जब मैं 2003 में वापस आया, मेरे पास 3-4 प्रतियां थी इस काली किताब की प्रिय भाई की, तो ये नदारत थी, ग्रंथालय ने उसके बाद में उसको कभी दोबारा छापा नहीं, बड़ी मुश्किल से संपर्क करके हम उस किताब को, उसकी अनुवादक थी, दादर में रहती थी मिसेस कुलकर्णी, उन्होंने हमको अनुमति दी और बाद में इसको गरवारे बाल भवन ने छापा, अब इसको मनोविकास छापता है। ऐसी तमाम किताबें, दिवा स्वप्न का एक आप उदाहरण देता, दिवा स्वप्न, तोतोचान करके ये शिक्षा की क्लासिक्स है। 30 बरस पहले शोभा भागवती ने दिवा स्वप्न का अनुवाद करा, और उस समय यह आलम था 30 साल पहले जिस प्रकाशक के पास जाते थे दिवा स्वप्न छापने के लिए, वो कहता था कि आप इसमें बीएड में लगवा दीजिए साहब, एमएड में लगवा दीजिए, तुरंत छाप देंगे, क्योंकि प्रकाशक को मार्केट चाहिए, अगर किताब ना बिके तो कितनी भी अच्छी किताब हो उसके किस काम की, वो एक असली जिंदगी में जीते हैं, रियल वर्ल्ड में जीते हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं जीते। खैर उस समय किसी तरह से अनिल बोडिया शिक्षा सचिव थे, उनकी मदद से इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन IIE चित्रा नायक ने इसको छापा, बहुत ही सुंदर किताब थी। बाद में मैं दिल्ली में था तो वहां पे नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर थे, बहुत ही प्रगतिशील डायरेक्टर थे अरविंद कुमार जी,
जिनके पिता ने राजकमल और राधा कृष्ण जैसे प्रकाशन शुरू किए थे, हिंदी के दो सबसे प्रगतिशील प्रकाशन वो ओम प्रकाश जी अरविंद कुमार के पिता ने शुरू करे थे। तो उनको हमने एक तोतू चांद की किताब पढ़ने को दी। उन्होंने कहा मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी। तो मैंने उनसे यही कहा कि सब आप कुर्सी पर बैठे इसके बारे में कुछ तो कीजिए। कुडैंशा इंटरनेशनल इसके कॉपीराइट्स हैं, उसके कॉपीराइट्स की परमिशन लेकर के आए। आज यकीन मानिए मराठी के अंदर 28वां संस्करण है तोतू चांद का। नेशनल बुक ट्रस्ट छापता बाद में किताब पहले बिक जाती। इतनी सुंदर किताब। तो हमने ये देखा कि उस समय जो शिक्षा की जमीन थी वो बिल्कुल बंजर थी, बैरन टेरेन, पथरीली जमीन, पत्थरों से भरी हुई। कोई अगर अच्छा बीज भी होगा तो वहां के कुमला जाएगा, मुरझा जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई मिट्टी ही नहीं थी। तो हमने कहा हमारा एक छोटा सा काम है, डेल्टा वर्क, हिस्टोरिक वर्क, कि रोज एक पुट्ठी मिट्टी बनाए। दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें प्रांतीय भाषाओं में अपने शिक्षकों को निःशुल्क उपलब्ध कराना, ये हमारा कार्य है। तो उसको लेकर के अभी तोतू चांद 11 भाषाओं में नेशनल बुक ट्रस्ट लाया है, दिवस सब को भी नेशनल बुक ट्रस्ट ने। तो ये बिल्कुल अब मेन स्ट्रीम किताबें बन गई हैं। कोई भी अगर शिक्षा का स्टूडेंट होगा, एजुकेशन का स्टूडेंट होगा, तो इन किताबों को पढ़े बगैर उसका काम नहीं बनेगा। और हर वक्त हम ये करते रहे, ढूंढते रहे, मंथन करते रहे, दुनिया के कौन से अच्छे नवाचार हैं, किस तरह से परमिशन लेकर के। समरहिल का आपको एक उदाहरण देता हूं। समरहिल दुनिया का सबसे नायाब स्कूल है इंग्लैंड के अंदर, 100 साल पूरे हुए स्कूल को। उस स्कूल में अभी तक 1000 बच्चे निकले, केवल साल में 10 बच्चे निकलते हैं। 1000 बच्चे मात्र 100 साल में निकले हैं, पर उस स्कूल का अद्भुत योगदान है शिक्षा में पूरी दुनिया के अंदर। उसकी परमिशन लेकर के हम आए, सबसे पहले हिंदी में छापा, एकलव ने उसको छापा है। जब यहाँ पर आए तो साहब उन्होंने हमको मराठी की भी परमिशन दे दी, तो उसको राजहंस ने छापा। किसी ने हमको बताया कि सबसे अच्छे प्रकाशक, दर्जेदार प्रकाशक पूना के अंदर राजहंस है। तो हमने कहा एक दर्जेदार किताब को एक दर्जेदार प्रकाशक मिलना चाहिए, तो राजहंस ने उसको छापी। अभी उसका तीसरा संस्करण उन्होंने परसों मुझे भेजा है, किताब अभी भी जिंदा है। तो बेहतरीन किताबें लाना, लोगों तक उनको पहुंचाना, उसका अनुवाद कराना, उसकी परमिशन लाना, इसमें बहुत श्रम जाता है, पर इसमें बहुत खुशी भी मिलती है। क्योंकि जब तक लोग अच्छे विचार पढ़ेंगे नहीं, तब तक उनका दिमाग कैसे खुलेगा, तब तक उनके सपने कैसे बड़े होंगे, तो ये बहुत जरूरी। मराठीत काही पुस्तकं आली असं आता गुप्ताजी म्हणले, पण मराठी पुरता जर विचार केला तर मुलांनी काय वाचायला हवं याचं उत्तर द्यायचं असेल तर सहज यादी सुद्धा करणं आपल्याला जमत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। तर प्रकाशकांनी याच्यासाठी नक्की काय स्वतःला बदलायला हवं आणि काय करायला हवं, हा मी स्पेसिफिकली मराठी प्रकाशकांपुरता प्रश्न तुम्हाला विचारते। मराठी प्रकाशकों से मेरा बहुत ज्यादा से, सबसे पहले एक एकलव के साथ में बहुत, उन्होंने मेरी पहली किताब खेल खेल में छापी थी। उसके बाद कई किताबें मेरी एक्टिविटीज पे एकलव ने छापी है, एक गैर सरकारी संस्था गुप्ता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है। अच्छा अच्छा आवाज आ रही है, ठीक। आवाज नहीं आ रही है। ध्रुवा जस्ट कम कम ओके, लेट्स सी, शुड वी पुट सनसेट हवाई, ट्राई पुट जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब आपको अच्छी आवाज आएगी मेरी, बेटर कनेक्टिविटी। तो एनबीटी के साथ में अरविंद कुमार ने एक एडवाइजर के रूप में नियुक्त करा, तो हम लोग 70 किताबें जो हमारे सपनों की किताबें थी, क्योंकि अगर एनबीटी में कोई किताब छापता है कि ध्रुवा व्हाई डोंट यू पुट योर्स हियर, दिस इज अनस्टेबल, नहीं नहीं इट्स अनस्टेबल। आपको आवाज आ रही है जी नीलांबी जी? अच्छी आवाज आ रही है। ओके गुड गुड, आई विल कंटिन्यू नाउ। तो 70 अपने सपनों की किताबें हम लोग नेशनल बुक ट्रस्ट से, एक यूनेस्को की किताब, यूनेस्को सोर्स बुक इन द प्राइमरी स्कूल,
$20 की किताब थी। अब यूनेस्को की किताबें तो भारत का भी उतना ही हक है जितना किसी और देश का है, तो एनपीटी को उसके उसका उसके कॉपीराइट्स मिले, हिंदी में मैंने अनुवाद करा। आज ये बगैर किसी एडवर्टिजमेंट के ये शायद 10वें संस्करण के अंदर है, हिंदी के अंदर। तो अच्छी किताबों को लोगों तक पहुंचाना ये बहुत बड़ा काम है, एक पुण्य का भी काम है, क्योंकि ये एक मिट्टी बनाने का, एक जमीन बनाने का काम है। मराठी में ज्यादा संपर्क आईआई के साथ शुरू में था, और 2003 में जब पूना वापस आए, आयुका में काम करा, तो शोभा जी के लेख के बाद में सबसे पहले मनोविकास के साथ में, तब अरविंद भाई और आशीष मेरे पास आए 2003 में। वो सबसे पहली किताब एक जो हमने उनको दी, जिसको अरुण ठाकुर जी ने अनुवाद करा, वो थी टीचर, सिल्वी एश्टन वॉर्नर की। वो भी एक तरह की नायाब किताब थी दुनिया के अंदर। उन्होंने 24 बरस माउरी बच्चों के स्कूल में न्यूजीलैंड में काम किया, और दुनिया की वो उसकी हमको परमिशन मिली, और उससे शायद मनोविकास को भी बहुत बड़ी ख्याति मिली। 1.5 साल के अंदर अगर इस किताब की 8 संस्करण, ये लोकसत्ता में लेख था, 40,000 प्रतियां बिके। शायद हिंदी में भी हमको इतनी बड़ी हिंदी की व्यापक रीडरशिप है, उसमें भी इतना प्रतिसाद नहीं मिला जितना मराठी में मिला। इसका बहुत कुछ श्रेय मनोविकास को भी जाता है, उन्होंने जगह जगह जाकर के प्रदर्शनियां लगाई, इस किताब को पॉपुलराइज करा। उसके बाद से मनोविकास को टीचर के बाद से हाउ चिल्ड्रन फेल, माई कंट्री स्कूल डायरी, बाला बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, जिसका एक पहला पूरा संस्करण यूनिसेफ ने खरीद लिया, महंगी किताबें 400 रुपए की किताबें पर पूरा संस्करण यूनिसेफ ने खरीद लिया, पर हमको बिल्कुल निःशुल्क परमिशन देती थी उसके लेखक कबीर वाजपेयी ने, अशोक वाजपेयी के बेटे हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने परमिशन दे दिया आप इसको मराठी में लाइए। उसके बाद में सबसे एक जो महत्वपूर्ण श्रृंखला थी वो थी आसिमोव की, दुनिया के सबसे ख्यातिवान लेखक पॉपुलर साइंस के, आइज़ैक आसिमोव। उन्होंने बच्चों के लिए 36 किताबें लिखी हैं। हाउ डिड वी फाइंड आउट अबाउट ब्लैक होल्स, हाउ डिड वी फाइंड आउट अबाउट सोलर एनर्जी। तो इसको अनुवाद, इन 36 किताबों को सुजाता गोडबोले जी ने अनुवाद किया है, और आज शायद 5वें 6वें संस्करण में हो, और बहुत ही उसको छाप करके मनोविकास ने एक बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि उससे हम जैसे हिंदी भाषियों को बहुत धक्का लगा कि हिंदी तो 60 करोड़ लोग बोलते हैं, 600 मिलियन, दुनिया की तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, अंग्रेजी और चाइनीज के बाद में। तो उसके बाद में हम लोग को भी शर्म आई हिंदी भाषियों को, और हम लोगों ने भी ये 36 की 36 हिंदी में अनुवाद करी। आज भी छप नहीं पाई है, 11-12 ही छपी हैं, पर कम से कम सब नेट के ऊपर उपलब्ध है। तो मनोविकास को करीब अभी तक हम लोग करीब 36 तो एक ही किताबें हो गई, एक ही लॉट हो गई, करीब 75-80 किताबें हमारी ये छाप चुके हैं। तो एक बहुत उससे एक घनिष्ठ रिश्ता पैदा हुआ है, एक प्रगतिशील प्रकाशक है, सूडो साइंस बकवास की चीजें नहीं छापते, अच्छी सार्थक चीजें छापते हैं, ये मैं जरूर कह सकता हूँ मनोविकास के बारे में। सडबरी वाली स्कूल या पुस्तकाचा मी जो अनुवाद जिथे मुलांना पंख फुटता था केला आहे, गुप्ताजींनी ते हिंदीत केलेलं पुस्तक आहे, तोही मनोविकासनी केला आहे, आणि माझ्या सगळ्या पुस्तकांमध्ये माझं स्वतःचंही ते आवडतं पुस्तक आहे, आणि मनोविकासनी काढलेलं तुमचं पुस्तक असं लोक मला शिक्षणाच्या बाबतीत, त्याच्यामुळे लोक उगाच मला मोठेपणा देतात, मनोविकासचं कौतुक आहे आणि गुप्ताजींचा त्याच्यात आभार मानायला हवेत। आपण प्रकाशकांबद्दल बोललो, पण शिक्षणाचे तीन कोण आपण जर म्हणलं की पालक, शाळा आणि मुलं, तर या तिघांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्यासाठी तिघांनी काय करायला पाहिजे पर्टिक्युलरली आपल्याकडे, कारण भारतात किंवा महाराष्ट्रात हा मेरे ख्याल से पालकों का बहुत अहम रोल है। बच्चे देखिए स्कूल जाते हैं 6 घंटे बाद चले आते हैं, पर बाकी 18 घंटे तो माँ बाप के साथ में घर में बिताते हैं। तो माँ बाप का एक बहुत बड़ा रोल है बच्चों को शेप करने में, और खास करके अगर माँ बाप बच्चों के साथ बैठ करके कुछ गतिविधियां करेंगे तो बच्चों का बड़ा हौसला बुलंद होता है कि हमारे माँ बाप के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है कि हमारे साथ बैठ करके कोई खिलौना बना रहे हैं, कोई साइंस का प्रयोग कर रहे हैं। तो माँ बाप को ये बहुत जरूरी करना चाहिए। कभी बहुत से लोग हैं जिनके दोनों पति पत्नी आईटी कंपनी में काम करते हैं,
बच्चा जब घर आता है तो खुद ताला खोलता है, उसके बाद में टेलीविजन खोल के बैठ जाता है या कंप्यूटर पे कोई कार्टून देखता है, वो गरीब क्या करेगा? उसके पास कोई विकल्प नहीं दिया आपने, और उसको आपके पैसे की जरूरत नहीं है इतनी, तो उसको आपके समय की जरूरत है कि आप उसके साथ बैठ करके अच्छी किताबें पढ़ें, उसके साथ बैठ करके कुछ विज्ञान के प्रयोग करें, उसको अलग अलग जगह जा करके दिखाएं, बच्चों को अलग अलग अनुभव दें, इस म्यूजियम में लेके जाएं, उस चिड़ियाघर में लेके जाएं, यूनिवर्सिटी का दौरा कराएं। तो ये माँ बाप के लिए बेहद जरूरी है। अब इस होड़ में बस यही लग गए हैं कि बच्चों को कोडिंग कैसे सिखाएं। अब इसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एडटेक कंपनियां हैं, वो जरूरत हो बच्चों को ना हो, तो बच्चों का एक बच्चे ज्यादा खेलें। फिनलैंड जो दुनिया में सबसे अग्रणी है शिक्षा के अंदर, वहां पर बच्चे बस दिन भर खेलते रहते हैं, और जितनी बहुत बर्फ पड़ती है वहां पर, स्नो पड़ती है, जितनी ज्यादा बर्फ पड़ती है उतना ज्यादा बाहर जाकर के खेलो। तो एक को खेलना बेहद जरूरी है। प्ले इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन लर्निंग और लर्निंग साइंस। प्ले इज वेरी सीरियस बिजनेस, क्योंकि खेल खेल में हम दुनिया में कैसे नेगोशिएट करते हैं, वी मेक सेंस ऑफ लाइफ थ्रू प्ले, हम लोग कोऑपरेशन सीखते हैं कि एक टीम में कैसे काम करना। तो प्ले बहुत जरूरी है, और इसमें माँ बाप का बहुत अहम रोल। हमने ये भी करा है कि जैसी किताबें हैं दिवा स्वप्न तोतो चांद जैसी, ये कोई शास्त्रीय बहुत ही एकेडमिक किताबें नहीं है, लाखों करोड़ों माँ बाप ने इन किताबों को पढ़ा है, और उनके जीवन के जीवन को देखने के, शिक्षा को देखने का जो दृष्टिकोण है उसके अंदर एक बदल आई। अगर आपने एक समर हिल कभी पढ़ी हो तो इट्स अ लाइफ चेंजिंग बुक। बहुत जरूरी है कि हम ऐसी किताबों को लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक बेहतरीन किताबें नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे दिमाग नहीं खुलेंगे। बड़े बड़े सपने देखने चाहिए हमारे बच्चों को, छोटे सपने नहीं। वो जब अंग्रेजों का जमाना था, कॉलोनियल्स का जमाना था, लोग सोचते थे कि गोरी चमड़ी वाले ज्यादा होशियार हैं ब्राउन स्किन से, वो जमाने अब लद चुके हैं। जीनोम प्रोजेक्ट ने यही दिखाया, वी आर एज गुड और एज बैड एज एनीवन एल्स। तो बच्चों को बड़े बड़े सपने देखने चाहिए। या सगळ्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण जी पुस्तकं आणि व्हिडिओज ऑनलाइन अवेलेबल करून दिले त्याच्यामुळे कोणाला म्हणजे फायदा झाला हे तर नक्की आहे, पण त्यातली काही स्पेसिफिक एक्झाम्पल्स किंवा त्याच्यातून काय साध्य झाला, विज्ञान प्रसाराचं अचीवमेंट काय काय झालं याच्याबद्दल थोडं सांगाल का? देखिए एक तो हम लोग बिलकुल, एक मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि सोवियत की तरह रशियन किताबें, अब मैं एक छोटे से शहर, मेरा शहर बरेली है यूपी के अंदर, और उस समय 60-70 में हिंदुस्तान और रूस के बहुत सुंदर संबंध थे, तो बहुत सी रूसी बच्चों की किताबें 2 या 3 रुपए में सड़क पर मिल जाती, और एक उसमें पेरलमैन थे, याकूब पेरलमैन, फादर ऑफ सोवियत पॉपुलर साइंस, फन विथ फिजिक्स, फन विथ मैथ्स, फन विथ एस्ट्रोनॉमी। अगर मेरी रुचि बचपन में विज्ञान में, अगर विज्ञान की ओर झुकी, तो उसका बहुत बड़ा रोल सोवियत किताबों का था, क्योंकि वो इतनी सस्ती थी और सर्वथा उपलब्ध थी। 1990 के बाद में सोवियत यूनियन विखंडित हो गया, खत्म हो गया, अलग अलग मुल्कों के अंदर बट गया, और ये मैलिश, मीर, रादुगा, इस तरह के प्रकाशक लुप्त हो गए दुनिया से। तो एक काम मैंने, हमने ये करा कि करीब 700 सोवियत किताबें मराठी में, हिंदी में, बंगला में, तमिल में, जहां कहीं भी जिस भाषा में भी मिली, 700 किताबें रिट्रीव करके, स्कैन करके उनको आर्काइव पे डाले। आज archive.org ये दुनिया का महासागर है किताबों का, जहां पर 2.5 करोड़ किताबें कोई भी डाउनलोड कर सकता है निशुल्क, वो किसी सरकार पे डिपेंडेंट नहीं है। और ये वेबसाइट 22 साल से है, दे आर नॉट फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। 2.5 करोड़ दुनिया की अद्भुत किताबें, तो 11,000 किताबें हम लोगों ने आर्काइव पे डाली है अभी तक। आप, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं बिल्कुल लेट, 67 लाख बुक्स डाउनलोडेड फ्रॉम दी आर्काइव्स। तो ये पोटेंशियल है ऑनलाइन का कि दुनिया के हर बच्चा पढ़ पाए, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचे और बेहतरीन किताबें पढ़ पाए। किसी भी लेखक के लिए सबसे बड़ा, उसको तब सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जब उसकी किताबें पढ़ी जाए। तो रोज, जैसे आपने कहा, 8-10 हजार किताबें डाउनलोड होती हैं, कोई भी प्रकाशक इतनी किताबें बेच नहीं सकता। तो ये बहुत
इस युग का, अभी कोविड के काल में तो सबसे ज्यादा, जब पूरा लॉकडाउन था, सब प्रकाशक हाथ पे हाथ रख के बैठे, तो कोई डाकतार विभाग नहीं, कहीं कुछ आप भेज नहीं सकते किताबें, सबसे ज्यादा किताबें हमारी वेबसाइट से डाउनलोड, सबसे ज्यादा वीडियो हमारी वेबसाइट से लिखे। कर्नाटक सरकार की अपील आई कि कर्नाटक सेंट्रल लाइब्रेरी, सर यू हैव 1100 वीडियोस इन कनाडा। एक व्यक्ति नरेंद्र दाभोलकर के बहुत साथी थे, प्रभाकर नानावती साहब, ये उनको एक व्यक्ति ने 1100 वीडियो निशुल्क डब करे कनाडा के अंदर। आज ये सारे वीडियो कनाडा सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर अपलोडेड है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरह का काम करना चाहिए, इसकी खुशबू हम रहे ना रहे, हम एक छोटी सी कड़ी है, बहुत लंबी कड़ी है अच्छे लोगों की, जिन्होंने इस दुनिया को समृद्ध करा है, तो हम भी उस लंबी चेन में से एक छोटी सी कड़ी है। टेक्नोलॉजी शाप का वरदान असं कायम वाद चालू असतो, आणि आपण आता सगळे जण ही मुलाखत जे बघतायत ते बहुतेक डिजिटल इमिग्रंट्स आहोत, डिजिटल नेटिव्स म्हणजे मिलेनियल जनरेशन, ते जे हातात मोबाईल आणि स्मार्टफोन घेऊन जन्माला आले, त्यांची टेक्नॉलॉजीकडे बघण्याचा पर्स्पेक्टिव्ह पूर्णपणे वेगळा असतो, आपला डिजिटल इमिग्रंट्स आपण स्वतःला म्हणू शकतो त्यांचा वेगळा असतो। ऑनलाईनचे फायदे आता गुप्ताजींनी आपल्याला सांगितले की करोना काळात किती लोकांनी ते डाउनलोड केलं, पण त्याचबरोबर सर्वजण काही त्याचा चांगल्याच गोष्टींसाठी किंवा पुस्तकं वाचण्यासाठी उपयोग करतात असं नाही, स्क्रीन टाइम प्रचंड प्रमाणात लोकांचा वाढला, याचे अनेक करोना काळातले रिपोर्ट्स अवेलेबल आहेत, मुलांमध्ये इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर सारखे प्रकार वाढले, पबजी जास्त खेळून देत नाही म्हणून नातवानी आजीचा खून केला वगैरे अशाही बातम्या आपण वाचतो, तर सोशल मीडियाचे हे दुष्परिणाम आहेत। आणि याच्यातून माझा प्रश्न गुप्ताजी तुम्हाला असा आहे की मुलांच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर किंवा मेमरीवर आणि त्यांच्या इमोशनल आणि फिजिकल वेलबिईंगवर नक्की काय कसा परिणाम होतोय, आणि याच्यातून बाहेर येण्यासारखं काही करता येणं शक्य आहे का? एक तो यह है कि ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि खास करके कोरोना के समय में कि बहुत लोग एडिक्ट हो गए स्क्रीन के, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, और मेरे ख्याल से कोई भी काम हो, इस मेरे पास आंकड़े नहीं है, पर हर चीज को मॉडरेशन में, किसी भी चीज को अगर हम एक्सेस में करते हैं तो उसके दुष्परिणाम होंगे ही। और हमने ये भी देखा कि इसके अंदर भी एक डिजिटल डिवाइड है, कि एक अर्बन और रूरल डिवाइड है, गांव खेड़े के अंदर ना ब्रॉडबैंड है, ना इस तरह की लैपटॉप्स हैं, ना 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 इस तरह के मोबाइल्स हैं जो इंटरनेट को पकड़ सके, और वहां पर भी गांव में भी लड़कियों और लड़कियों में बहुत फर्क है। अगर घर में एक मोबाइल होगा वो बाप अपने धंधे काम के लिए इस्तेमाल करता है, वो लड़की को ऑनलाइन क्लासेस के लिए कभी नहीं उपलब्ध कराएगा। तो देश में ये सब बहुत आया है, पर एक इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि ये हम लोगों के लिए एक तरह का धक्का है। पहली बात तो कि हमारी भाषाओं के अंदर अंग्रेजी में तमाम समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, कि हमने इस तरह का डिजिटाइजेशन का काम प्रांतीय भाषाओं में बहुत कम किया है, और ये हम लोगों की अपनी गलती, हमारी खोट है। हम लोग को किसी भी बुरे वक्त के लिए या इस तरह का साहित्य तो हर एक को हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। तो वी मस्ट डू अ होमवर्क एंड मेक मैक्सिमम पॉसिबल यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, अच्छी से अच्छी किताबें डिजिटाइज करके और उनको लोगों तक उपलब्ध कराएं, जिससे कभी इस तरह का मौका आए। अभी कोरोना ने एक बहुत बड़ा धक्का दुनिया को दिया, हमारे देश में 33 करोड़ बच्चे घर में बैठने को मजबूर हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आज भी शायद जनवरी से स्कूल खुले ना खुले, उसके बाद में कहीं कोविड की दोबारा मार ना आ जाए, तब तक शायद वैक्सीन भी आ जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही अनसर्टेनिटी इतनी है, उससे आप देख रहे हैं कि लोग के मानसिक दिमाग पर भी बहुत प्रभाव पड़ रहा है, लोग खुदकशी कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, इस तरह की चीज है। जब आप लोगों से मिलते जुलते नहीं है, बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, तो डिप्रेस हो जाते हैं, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर इस काल के अंदर शायद आप अच्छी किताबें पढ़ने से आपको बल भी मिले, आप जिंदा भी रहें। इस कोविड के काल ने एक, हर एक कहते ना कि हर डार्क क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग होती है। बहुत से लोग जो दफ्तर में जाते थे, यार काम के लिए क्या दफ्तर रहना बेहद जरूरी है, शायद उन्होंने पहली बार सोचा कि हमारी जिंदगी की अहम रुचियां क्या है,
क्यों हम दूसरों के सपने जी, अपने सपने क्यों नहीं जीना सीखें? और ये जरूर है, हाँ फैक्ट्री में आप मास प्रोडक्शन लाइन में है तो आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, पर बहुत से दुनिया के ऐसे कामगार हैं, एम्प्लॉयज हैं, जो घर पे बैठ के अच्छा काम कर सकते हैं, बीबी बच्चों को भी देख सकते हैं, घर का भी काम कर सकते हैं। तो इसने लोगों को बहुत रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करा है कि हम ऐसा कौन सा काम चुनें जो हमारी रुचि का भी हो, अपनी आजीविका भी चला पाए। याच्यातून माझा पुढचा प्रश्न थोडासा याला रिलेटेड आहे की करोना नंतर, म्हणजे करोनाच्या लॉकडाऊन नंतर ऑनलाईन शिक्षण हे ऍटलीस्ट शहरांमध्ये तरी काही प्रमाणात सुरू झालं, पण आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की आताही आपण शहरात पुण्यासारख्या असून मध्ये आता गुप्ताजींना सुद्धा ऍक्सेस मिळणं काही क्षणांसाठी अवघड झालं, तर तेवढी बँडविड्थ, तेवढी टेक्नॉलॉजी संपूर्ण देशापर्यंत, देशातल्या खेड्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही याची जाणीव आपल्याला आहे। त्यामुळे शिक्षणाचंच एकूण भवितव्य, कारण ऑनलाईन शिक्षण हा उपाय आपल्याकडे वर्कआउट होऊ शकणार नाही हे दिसतंय, तर शिक्षणाच्याच फ्युचर बद्दल आणि शिक्षण पद्धती बद्दल, एज्युकेशन सिस्टीम बद्दल तुमचं काय म्हणत आहे? मुझे लगता है देखिए, ये भी जो काल है कोविड का, दिस विल ऑल्सो पास। ये कोई बहुत एक ब्लिंप है, पर ये भी शायद 2-4-6 महीने के अंदर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जनवरी फरवरी कभी इसकी वैक्सीन भी आएगी है? तो ये हमेशा के लिए नहीं है, मुझे नहीं लगता ये रहेगा। और खास करके बच्चों को अन्य बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। हम अपने घर में देखते हैं कि 2 छोटे बच्चे हैं और दिन भर वो उन्हीं वयस्कों को, उन्हीं एडल्ट्स का चेहरा देखते रहते हैं और उनके चेहरे मुरझा जाते हैं। उनको अन्य बच्चों के साथ खेलना मैदान में बहुत जरूरी है। स्कूल में पढ़ाई हो ना हो, पर अपने दोस्तों के साथ तो मिलते हैं कि इस तरह के सोशल इंटरेक्शन बेहद जरूरी है। और देखिए, हम लोग पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों को घर में कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। तमाम लोग हमारे देश में, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो जिनको अगला जून खाना कहाँ से आएगा ये नहीं मालूम। उनके पास में इस तरह की ना सुविधा है ना साधन है कि अपने बच्चों को गाइड कर पाए। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, तो उनके लिए स्कूल बेहद जरूरी है, उसका कोई पर्याय नहीं है। पर साथ साथ ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक होना चाहिए कि हम अपनी ऑनलाइन व्यवस्था ठीक करें, इसको लोगों तक पहुंचाएं, सस्ता सस्ता बनाएं। अभी बहुत से एडटेक कंपनी है, जैसे बायजू का आज वैल्यूएशन $11 बिलियन। एक केरला का स्कूल टीचर कहां से कहां, और वो कह रहे हैं कि आप 6 साल के बच्चों को कोडिंग सिखाइए। अब ये बहुत ही कमर्शियल चीजें हैं, बहुत ही कमर्शियल इसमें एस्पेक्ट्स हैं इसके, उससे हम लोग को बचना चाहिए। अब ये 2-4, 1-2 महीने और हैं, मेरे ख्याल से मेरी सभी माँ बाप से यही अपील होगी कि आप अपने बच्चों के साथ बैठिए, उनके साथ खिलौने बनाइए, आपका जीवन बहुत समृद्ध होगा और बच्चों के जिंदगी के अंदर बड़ी खुशहाली आएगी। कोडिंग शिकवण्याबद्दल गुप्ताजींनी सांगितलं ते खूप महत्वाचं आहे, कारण सगळीकडे आता तुमच्या मुलाला कोडिंग शिकवा, 6 वर्षाच्या 8 वर्षाच्या मुलाला, आणि तुमच्या हातात कोडिंग देऊन तुमचा सगळा डेटा क्लाउड वरचा 5 कंपन्यांच्या हातात आतापर्यंत ऑलरेडी। गुप्ताजी, आपण इंटरव्ह्यूच्या शेवटाकडे येतोय। तुमचा तो सर्वात लाडका प्रकार आहे की कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको, कुछ खिलौने आप? जरूर जरूर 2-4 खिलौने दिखाता हूँ। एक ही मेरा सबसे प्रिय खिलौना एक तो ये है, ये एक बहुत सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, ये एक बिजली का विद्युत का मोटर है। इसमें आप देख रहे हैं कि एक बैटरी है, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, किसी टॉर्च में हम इस्तेमाल करते हैं। ये सेफ्टी पिन है, 2 सेफ्टी पिन है, ये चुंबक है, बिल्कुल चुंबक, और चूंकि इसका खोल माइल्ड स्टील का बना है तो उस पर चिपक जाता है। ये 50-50 पैसे की मिलती है चुंबक। और ये काला वाला जो है ये साइकिल का ट्यूब है, ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर है। और ये एक तांबे जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है जिससे मोटर रिवाइंड करते हैं, 1 मीटर लगता है। और जब हम इसको इसमें रखते हैं, इसको 10 मिनट लगते हैं बनाने में, और ये बहुत ही सुंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर बन जाता है। हम लोग देखिए अपने घर के अंदर 1 दर्जन जगह मोटर इस्तेमाल करते हैं। पंखे में मोटर है, कूलर में मोटर है, फ्रिज में मोटर है, मिक्सी में मोटर है, वॉशिंग मशीन में मोटर है, मोटर से ही पंप चलता है जिससे पानी टंकी में ऊपर जाता है। और शायद ही कोई बच्चा स्कूल के अंदर
मोटर बनाता हूँ, फैराडे के नियम पढ़ते हैं, रट लेते हैं। पर ये हम लोगों ने करीब 1990 में बनाया था, 30 बरस हो गए इसको, लाखों बच्चों ने इस मोटर को बनाया। अगर आपका बैटरी हो तो 5 रुपए लगते हैं, कोई किट की जरूरत नहीं, 5 रुपए लगते हैं इस मोटर को बनाने के अंदर। और जब कोई बच्चा इस तरह का मोटर बनाता है तो उसकी आंख के अंदर एक चमक आती है। बच्चे फिर कहते हैं विज्ञान से कि बस हमें विज्ञान ही करना है, इतना रम जाते हैं बच्चे इसके अंदर। एक बहुत अच्छा ये खिलौना है। एक मैं आपको 2-3 और छोटे छोटे से खिलौने दिखाता हूँ। ये एक कागज का स्क्वायर है, बिल्कुल हम लोग जितने अखबार के कागज हैं, मैगजीन के, उनको स्क्वायर्स में काट लेते हैं। अब इसको मोड़ेंगे तो एक त्रिकोण बन गया, इसको मोड़ेंगे तो एक छोटा त्रिकोण बन गया, ट्राइंगल बन गया। ये अंग्रेजी का लेटर वी, वी फॉर वैन, वी फॉर विक्ट्री जैसे दिखाई देता। अब इसमें हम बस ना कैंची की जरूरत ना गोंद की जरूरत, बस दो लंबे और थोड़े से गोल कान फाड़े, इसको आगे मोड़ा और इसको पीछे मोड़ा, तो इसको 10 सेकंड एक ससा बन गया। अब आप देखिए खरगोश बन गया, खरगोश की पूंछ, खरगोश के कान है, मुंह है, उसके आगे के पैर हैं, ये इसकी शेप थी, पूंछ है, पूंछ को पकड़कर तीस सेकंड लगते हैं, हर बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट आती, बच्चे खुश हो जाते हैं। गरीब से गरीब बच्चा भी एक स्क्वायर कागज ला सकता है। ये सुदर्शन खन्ना की किताब है, द जॉय ऑफ मेकिंग इंडियन टॉयज। एक झाड़ू की सीख, गरीब से गरीब घर होगा तो झाड़ू तो होगी, नारियल की झाड़ू, सीख की झाड़ू, खराटा, एक लंबी खराटा, एक छोटी खराटा, इसको डोरी से बांध देते हैं, ये थोड़ा नीचे लचा हुआ है, और इसके अंदर ये एक रबर का टुकड़ा है, आप एक इरेजर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चप्पल का टुकड़ा है, थोड़ा वजन चाहिए। अब इसको अगर हमने अपनी तर्जनी उंगली पे ऐसे बैलेंस कर दिया और इसको घुमाया तो सुदर्शन चक्र बन जाता। अभी क्यों नहीं भागता, क्यों नहीं फेंका जाता? सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बड़े बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से ये कचरा पेटी में चले जाते हैं। पर जब बच्चे ऐसे छोटे छोटे से प्रयोग करते हैं तो उनको ये बड़े दुरूह जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर जब बच्चा मोटर बनाता है तो फैराडे के नियम, जिसको इन्होंने सिर्फ शब्दों में रटा है, उनकी कोई इक्वेशन देखी है, उसके असलियत में मतलब समझ में आते हैं। तो ये बहुत, एक और आपको छोटा सा खिलौना दिखाता हूँ। ये है एक स्ट्रॉ है, मोटी सी स्ट्रॉ है। सबसे पहले हमने क्या करा कि इसको आधे में मोड़ लिया और इसके दोनों कोने काट दिए। तो देखिए आपको एक बर्फी नुमा छेद दिखाई देगा, ये छेद है ना? दोनों इसके सिरे टेप कर दिए, बंद कर दिए और एक कोना काट दिया। यहां पर एक छेद है और डायमेट्रिकली आपस दो छेद है। और ये एक हरी स्ट्रॉ है फूटने वाली, इसके अंदर देखिए हमने एक यहाँ छेद बनाया। छेद क्यों बनाया इसमें कि अगर इसको बंद करेंगे और हम फूकेंगे तो हवा लंबवत बाहर निकलेगी, इस छेद में से बाहर निकलेगी हवा। बस अब देखिए इसको ऐसे रखा, एक उंगली से इसको बंद करा और फूकेंगे, पच्चीस पैसे नहीं लगते हैं और बच्चों को बेहद आनंद आता है। इस तरह से हम लोगों ने 1100 खिलौने, छोटे छोटे से खिलौने, बिल्कुल फेंके हुए सामान से, स्ट्रॉ से 40-50 एक्सपेरिमेंट स्ट्रॉ से हैं, कागज से 150 एक्सपेरिमेंट्स हैं, अखबार से 15 तरह की टोपियां हैं, ये सब डॉक्यूमेंट करके फोटोग्राफ्स में, 2-2 मिनट के वीडियो, किताबों के अंदर, सारी किताबें मेरी मेरी वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध है। 1100 खेळणी आहेत आणि ती आता मला वाटतं की सगळ्यांनी आजपासून तुमच्या मुलांसाठी आणि स्वतःसाठी तयार करायला सुरू केलं तरी उरलेलं आयुष्य पुरं पडणार नाही। गुप्ताजी तुमचे खूप मनापासून आभार, खूप छान, तुम्ही नेहमीप्रमाणे छानच बोललात आणि थँक्यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका, थँक्यू। आणि करोना काळात तुम्हाला असं भेटूनही मला बरं वाटतंय। प्रेक्षकांचे काही प्रश्न असतील तर आपण थोडेसे काही प्रश्न घेऊयात। मला वाटतं ही मुलाखत ऐकून सगळे एवढे अचंबित झालेत की काय विचारायचंय, आता हळूहळू सुचेल त्यांना हळूहळू। या कार्यक्रमाच्या शेवटी एक गोष्ट मला मनापासून सांगायची होती की
कौन बनेगा करोडपती या कार्यक्रमात मध्ये काही समाज सेवकांचे कार्यक्रम झाले आणि फेसबुकच अरविंद गुप्तांचं जे पेज आहे ते मी चालवते, तर तिथे त्या केबीसी कोऑर्डिनेटर बाईंचा मेसेज आला होता आणि मी गुप्ताजींना ते सांगितलं की त्यांचा असा मेसेज आलाय, तर ते मला असं म्हणले की ऑलरेडी त्यांचा मला ईमेल आलाय आणि मी त्यांना नाही सांगून टाकलंय कारण तिकडे मी जाईन मग मला अजून तिथे लोक ओळखायला लागतील, मग लोक मला जास्त फोन करतील आणि माझी सगळी कामं जी आहेत, रोजचं डिजिटायझेशनचं काम आहे किंवा नवीन नवीन खेळणी तयार करण्याचं काम आहे ते सगळं तसंच ठप्प राहील. मला असं वाटतं की कुठल्याही प्रकारे येणं प्रकारेण आपल्याला प्रसिद्धी मिळावी, आपल्याला पुरस्कार मिळावेत, आपल्याला निर्निराळ्या टीव्हीच्या कार्यक्रमात झळकता यावं याच्यासाठी सतत धडपड करणाऱ्या समाजात आपण वावरतोय. तिथे ऋषितुल्य असं म्हणावं असं आम्ही नेहमी म्हणतो की गुप्ताजी म्हणजे एक संत आहेत. समीर शिपूरकर नावाच्या माझ्या मित्रांनी त्यांच्यावर त्यात काही डॉक्युमेंटरीज पण केल्या, त्या पण तुम्ही आवर्जून बघा. अरविंद गुप्ता टॉयज डॉट कॉम, अर्काइव्ज डॉट ओ आर जी अशी त्यांनी निर्निराळ्या वेबसाईट्स पण सांगितल्या, त्याला पण तुम्ही भेट द्या. आणि मनोविकास प्रकाशनाने त्यांची सर्वात जास्त पुस्तकं काढलेली आहेत, ती पुस्तकं विकत घेऊन त्यातल्या ऍक्टिव्हिटीज मुलांना करून दाखवा. आजचा कार्यक्रम मनोविकास लाईव्हचा इथे संपला असं मी जाहीर करते. थँक्यू. नमस्कार, दोघांचाही खूप खूप आभार मनोविकास तर्फे, प्रेक्षकांचेही खूप आभार. प्रेक्षकांना विनंती आहे की हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावा. खूप छान महत्वाचे विचार गुप्ता सरांनी आज मांडलेले आहेत, तेव्हा हा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवावा त्यासाठी हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा. धन्यवाद, पुन्हा भेटूयात याच ठिकाणी. तोपर्यंत आराम करा, काळजी घ्या, शक्यतो घरात बसा आणि वाचन करा. धन्यवाद.